तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक कथन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, है इश्क खता तो यही खता, एक बार नहीं सौ बार करो। नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज के इस बेहद खास सेशन में, शानदार सेशन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टडी करने वाले SSC CGL के इंग्लिश का, जो कि एकदम बेहतरीन सेशन वाले है, एकदम इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को या चाहे सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट देखना, उसके बाद को समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश किस तरह से पढ़ा जाता है। आज तक आप जितना भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, आपको पढ़ने का तरीका अगर बदल के ना दिखा देना तो मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पूरी 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। आज तक यूट्यूब पे इस तरह से क्लासेस शायद ही कोई लेके आया होगा, जिस तरह से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में, आइए चलिए स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं SSC CGL के इंग्लिश के बारे में। पहले थोड़े इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस किस तरह से हमारे सिलेबस में है और किस तरह से हमारे सिलेबस में ये आएंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा ना, आओ मिलकर इंग्लिश से खेलें, आज सच्चे में आपको खेल कर दिखाएंगे कि कैसे खेला जाता है। बस पेशेंस बना के रखना दोस्तों, और सिर्फ 5 मिनट तक वीडियो को देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा किस तरह से इंग्लिश समझ में आती है। बात करते हैं SSC CGL के इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश को इसमें हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं किसमें, ग्रामर का पोर्शन। कौन सा ग्रामर, ग्रामर का पोर्शन इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें वोकैब देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो कितने भागों में हमने डिवाइड किया, 3 पार्ट में। ओके, हमने देखा क्या, ग्रामर देखा, वोकैबुलरी देखा और कॉम्प्रिहेंशन देखा। ओके, तो ग्रामर में हम सामान्यतः क्या स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, वोकैब में हम क्या देखेंगे, सिनोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम। ओके, और करेक्टली स्पेल्ड। और कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में हम क्या देखेंगे, पैसेज को देखेंगे। हम पूरी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, उसे भागे के बाद सिर्फ 2 मिनट दीजिए, बस समझा रहेंगे सर। CGL के इंग्लिश में पहले क्या देखेंगे, ग्रामर का पोर्शन देखेंगे। ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, फिर उसके बाद टेंस को देखेंगे, टेंस को। ओके, और वोकैब में क्या देखेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड, फ्रेज फ्रेज जो भी रहेंगे इसके अंतर्गत, हम व्हाट एवर इट इज आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू स्टडी कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स प्रोज, पैसेज, पोएट्री, व्हाट एवर इट इज आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को उठाते हैं स्टडी के लिए, ग्रामर के पोर्शन को, और अब यहीं से होता खेल स्टार्ट खेलने के लिए। चलो, आप खेलने के लिए रेडी हैं, आर यू रेडी टू प्ले, जस्ट कम ऑन गाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नाउन, नाउन यही तो ना, दैट मीन्स संज्ञा, नाउन देखेंगे ना, व्हाट इज द नाउन। आज तक हम नाउन की जो डेफिनेशन देखे हैं वो बस इतना देखें, क्या नाउन इज द, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस, पर्सन,
एनिमल और थिंग्स। ओके, नाउन किसे कहते हैं? सामान्यतः हमारे विद्यालय में यही रटाया गया, यही हमें पढ़ाया गया कि व्हाट इज द नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल्स और थिंग दैट बी सेड टू नाउन, और पीपीटी दैट बी सेड टू नाउन, प्लेस, पर्सन और थिंग दिस बी सेड टू नाउन, सामान्यतः ही रटाया जाता है। आई नो दैट आप भी जानते होंगे कि यही हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इज दैट क्लियर? इतना पढ़े हम लोगों ने ना कि नाउन क्या होता है। लेकिन ये नाउन नहीं है क्या? 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 तमाम सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबका नाम होता है। नाउन किसे कहते हैं? पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं सब के सब नाउन है। ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं मिलेगी जो नाउन नहीं होगी। लाखों करोड़ों जितनी भी वस्तु हैं सब सब क्या है? सब के सब नाउन है। तो आप आज से अपना डिफिनेशन बदल लीजिए कि जो हम कहते ना व्हाट इज नाउन, अगर कोई पूछता है कि नाउन क्या है तो इतना जवाब मत देना कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स दिस बी सेड टू नाउन। नाउन क्या कहना? नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। संज्ञा क्या है? नाउन क्या है? जो सब कुछ नाम है, दुनिया में जो किसी का भी नाम है सब के सब नाउन है। नाउन क्या है? सब कुछ नाउन है। जो दिखता है वो भी नाउन है, जो नहीं दिखता वो भी नाउन है, जो ऊपर है वो भी नाउन है, जो नीचे है वो भी नाउन है, जो अंदर है वो भी नाउन है, जो बाहर है वो भी नाउन है। यानी कि सब कुछ नाउन है। व्हाट एवर यू सी, फील एंड एक्टिविटी, व्हाट एवर यू डन, एवरीथिंग इज नाउन। व्हाट इज द नाउन? नेम ऑफ द, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा कि आज से अपनी डिफिनेशन बदल दीजिए पूरी तरह से कि नाउन सिर्फ इसी को ही नहीं कहते हैं। आपको जो चीज़ें दिखेंगी, जो महसूस होगी, जो आप टच कर सकते हैं, जो नहीं टच कर सकते, जो आपको दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो अंदर है वो भी, जो बाहर है वो भी, जो कुछ भी है सब कुछ नाउन है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ने की कोशिश करें। ओके, कॉन्सेप्ट नाउन देखते हैं, नाउन के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के नाउन हैं देखते हैं। ओके, पहला देखते हैं प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ओके, दूसरा देखते हैं क्या है? कॉमन, कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा देखते हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। ओके, इज दैट क्लियर? थोड़ा छोटा लिखते हैं, बराबर समझ में आएगा। ओके, पहला प्रॉपर नाउन। ओके, दूसरा कॉमन नाउन। और तीसरा कलेक्टिव। ओके, एंड फोर्थ थिंग इज दैट मटेरियल, मटेरियल नाउन। ओके, एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक, कॉन्सेप्ट नाउन कितने प्रकार के नाउन होते हैं? पांच प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक, हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज कॉन्सेप्ट नाउन। ओके, इस तरह से हमने देखा फुल टोटल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के नाउन होते हैं, पांच भागों में बांटे गए हैं। और बहुत लोग बहुत कहते हैं कि फलाने नाउन, ढिकाने नाउन, बहुत से नाउन है, ये सब कुछ में पढ़ना मत। ऑफिशियली जो है सिर्फ यही इतने नाउन है और हमें इन्हीं को अध्ययन करना है और यही हमारे एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं जो एक सीरीज में है, एक लाइन में है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ठीक, पाँच मिनट रहिए, अब खेल के दिखाते हैं फिर कैसे खेला जाता है। ठीक, प्रॉपर नाउन में देखते हैं हम। ठीक, कृष्णा,
प्रभात प्रभात ओके राज, ठीक इतना हुआ। फिर मैरी, रानी, प्रिया, फिर सचिन, विराट, धवन, ओके इज दैट क्लियर। फिर कंट्री, सिटी, ओके स्टूडेंट, ओके प्लेयर, स्टेट, विलेज, इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं, कलेक्टिव को भी बाद में समझते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से? कैपिटल लेटर से, ओके। तो जिस जिस वस्तु का एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक स्पेशल नाम होगा, किसी विशेष का नाम होगा, या किसी व्यक्ति विशेष या बुक विशेष किसी का नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? सामान्यतः जो कॉमन होता है, ठीक, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ठीक, कृष्णा एक स्पेशल नाम है, अगर कहीं लिखा जाएगा कैपिटल में आएगा, इज दैट क्लियर। प्रभात, इसी तरह से मैरी और रानी, प्रिया, सचिन, विराट, धवन, इस तरह से, ओके। ये सब क्या है? क्या प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन में कंट्री, सिटी, स्टूडेंट, प्लेयर, स्टेट, विलेज, दुनिया में कितने भी देश हों, कोई भी देश हो, सब क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। कोई भी देश हो वो किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में, कंट्री। अगर कहीं भी कंट्री होगा, कोई भी देश हो, कॉमन नाउन में। अगर उसका एक स्पेशल नाम लिखा जाता है, जैसे इंडिया लिखा गया, वो तुरंत प्रॉपर में आ जाएगा। लेकिन दुनिया में कोई भी देश की बात की जाती है, कोई भी देश हो, सभी देश क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन में। कितनी भी सारी सिटीज हैं, जितनी भी सिटीज हैं, सबके सब कॉमन नाउन। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में, जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ स्टूडेंट की बात करें, सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आएंगे, कॉमन नाउन। जितने भी प्लेयर हैं, प्लेयर होंगे, सब कॉमन नाउन है। जितने भी स्टेट हैं, कॉमन नाउन। जितने भी गांव हैं, सब कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर। अब आइए, थोड़ा खेलने की बारी आई है। अब तो हम सिर्फ इतना समझ रहे थे, अब खेलने की बारी, किस तरह से खेलते हैं, ठीक, बेट। और इस कॉमन नाउन का एक सबसे सुंदर सा एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। सबसे सुंदर सा एग्जांपल ये है कि हम गांव में हम क्रिकेट खेलते थे ना, हम गलियों के एक बेताज बादशाह थे, किसके? क्रिकेट के। वहाँ पे क्या होता है, 10-12 लोग रहते थे ना। जब मान लो 11 लोग रहते थे, वो ज़रूरी नहीं कि 11-11 लोग हों, 7 लोग हों या 11 लोग हों, हम खेलने के लिए जाते थे। वहाँ पर सिर्फ अपने रूल्स और नियम चलते थे, ठीक। क्या रूल्स नियम चलते थे वहाँ पर? हम 7-11 लोग को ही आपस में बांट देते थे, 5-5 लोग को, भाई 5 तो इस टीम में हो जा, 5 इस टीम में हो जा, ठीक। बाकी जो बचता था एक, वो क्या होता था बताइए, क्या होता था? वो 5 को हमने इधर बांट दिया, 5 को इधर बांट दिया, जो एक बचता था वो क्या होता था? अरे वही तो कॉमन है, सामान्यतः उसी को हम कॉमन कहते हैं। उसको बोलते थे ना, भाई तू कॉमन हो जा, तू उधर से भी बैटिंग करना, इधर से भी बैटिंग करना, उधर से भी बॉलिंग करना, इधर से भी बॉलिंग करना। और हाँ, वो बोलता था, देख भाई मैं तो दोनों साइड से खेलूंगा जरूर, लेकिन मैं ऑफलाइन ऑफ या फील्डिंग नहीं करूंगा कहीं पर, मैं सीधा कीपिंग ही करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉमन किसे कहते हैं। अब समझ में आया होगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ओके। तो चलिए, खेलने का समय आ गया, आ जाओ। अब हम समझते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन एक साथ समझेंगे, एक साथ समझेंगे, बेट एक साथ समझेंगे। हम बात करते हैं कृष्णा, प्रभात, राज, ये सभी के सभी क्या हैं? बॉयज हैं हमारे, क्या हैं? बॉयज, लड़के हैं। आपको नाम से पता चल रहा है ये क्या हैं? लड़के हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे? बॉय हो जाएंगे। और बॉय क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, क्लियर। फिर बात करते हैं कृष्णा, प्रभात, राज, ये हमारे स्टूडेंट हैं क्लास के, ये क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट हो गए। तो स्टूडेंट किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। बॉयज किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा, क्लियर। फिर बात करते हैं मैरी,
रानी प्रिया, तीनों क्या हैं? गर्ल्स हैं। ओके, गर्ल्स किस में आएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का अगर स्पेशल नाम लेके पुकारा जाता है कि मैरी कमॉन कमॉन प्रिया, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि मैरी रानी और प्रिया क्या हैं? गर्ल्स हैं। और जैसे हमने कहा गर्ल्स हैं, तो तुरंत किस में आ गए? कॉमन नाउन में आ गया। क्लियर? फिर बात करते हैं सचिन विराट धवन, ये क्या है? प्लेयर हैं। कौन? इंडियन प्लेयर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेयर, प्लेयर। और प्लेयर क्या हो गया? कॉमन नाउन। यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे कॉमन, और अभी यहीं से हम कलेक्टिव बनाएंगे। हम बोल रहे थे ना कैसे खेलेंगे, आओ खेल के दिखाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर नाउन, यहाँ पे कॉमन नाउन, अभी यहीं पर हम कलेक्टिव बनाएंगे। सुनिए मेरी बात। हमने कहा कृष्णा प्रभात नाम, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम लिया, स्पेशल नाम लिया, उसका नाम लिखा और जो कि कैपिटल लेटर से लिखा गया है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और जैसे ही हमने कहा कृष्णा प्रभात और राज एक लड़के हैं, तो तुरंत जब लड़का लिखा गया, बॉयज लिखा गया, तो बॉयज क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर इसी तरह जब हमने कहा कृष्णा प्रभात और राज हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, तीनों मिल गए, अगर जब तीनों लोग मिल गए, अगर सेपरेट होते हैं तो प्रभाव क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अगर तीनों को एक साथ इकट्ठा किया गया और इनको बताया गया ये हमारे सब के सब स्टूडेंट हैं, हम नाम ना लेकिन कोई स्टूडेंट बुलाएंगे, हमारे स्टूडेंट हैं, तो तुरंत किस में आ गए? कॉमन में आ गए। फिर इसी तरह से हमने कहा मैरी रानी प्रिया, ये तीनों का तीनों क्या है? गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स जैसे हमने नाम लिया, तुरंत कहाँ गए? कॉमन में आ गए। और इसी तरह से हमने कहा सचिन विराट धवन, ये सब क्या है? इंडियन प्लेयर हैं। और जब प्लेयर का नाम लिया, तो प्लेयर तुरंत किस में आ गया? कॉमन नाउन में। अब देखो यहीं से खेल स्टार्ट होता है। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव किसे कहेंगे? अगर हम कहें ये जो कृष्णा और प्रभात और ये क्या है राज, हमारे क्या है? स्टूडेंट हैं। और जब तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जब तीनों एक साथ मिल गए, तो इनका एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, तो किस में चले जाएंगे? ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या बन जाएगा? ये टोटल जब स्टूडेंट का ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे भाई जाहिर सी बात है, क्या बन जाएगा? क्लास बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। और क्लास क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जब कॉमन नाउन इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं। सामान्यतः जब कॉमन नाउन इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, जब कृष्णा प्रभात और राज एक साथ इकट्ठा हो गए, तो जब सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, तो हमको इससे नहीं कहेंगे कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट 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 नहीं कहेंगे ना, या टीम 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 नहीं कहेंगे ना। तो जब सभी स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा हो गए, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास, और दैट इज कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? फिर इसी तरह से जो हमने कहा मैरी रानी प्रिया ये गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स सभी मिलकर क्या बनाएंगी? बेबीज, ग्रुप ऑफ बेबीज। ये मूवी देखे हो ना, बेबी फिल्म, चार पांच लोग थे अक्षय कुमार के, बेबी क्यों रखा गया? बेबी के नाम पे रखा गया था क्योंकि कलेक्टिव नाउन में चला गया। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं सचिन विराट धवन, ये क्या है? प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं। और जब हम कहेंगे तो ग्रुप ऑफ प्लेयर, जब ये तीनों लोग एक साथ हो गए, विराट सचिन और धवन एक साथ हो गए, तो ये क्या बन गए? बनाए क्या बनाई इन्होंने? एक बताइए, एक टीम बनाई। क्या बनाई? एक टीम बनाई। ओके, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। हमने देखा यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे क्या हो गए? कलेक्टिव हो गए। इज दैट क्लियर? और एक चीज़ और डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको, जो प्लेयर है, अगर बहुत लोग कहते हैं ना प्लेयर में यस जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। 100% गलत है, 100% गलत है। सिर्फ यह फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन। जो प्लेयर है, प्लेयर्स, ओके, प्लेयर्स जो है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन का प्लूरल वाला भाग है, ये कभी भी कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा मटेरियल नाउन को समझते हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान रखना क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
ओके। अब बच रहा है दो, और जो दो बच रहा है उसे क्या कहते हैं, पहला मटेरियल, मटेरियल नाउन, ठीक। दूसरा देखते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं, ओके। अब यहीं से समझते हैं, मटेरियल नाउन हमने कहा रहा क्या क्या होते हैं, मटेरियल्स में कोई भी पदार्थ हो जाते हैं, मिल्क, शुगर, स्टोन, व्हाट एवर इट इज, सब की सब क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन, ठीक। मटेरियल में क्या हो गया, गोल्ड हो गया अपना, गोल्ड सिल्वर, ठीक, गोल्ड सिल्वर, वाटर, मिल्क, ठीक, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात करते हैं क्या क्या होते हैं, पहले किसको समझते हैं। मटेरियल नाउन में क्या होता है, वो सारी चीजें दैट वी कैन नॉट मेजर, ओके, क्या होती हैं ये सब चीजें मटेरियल नाउन में होती हैं। मटेरियल में क्या होती हैं, मटेरियल सब पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, जो पदार्थ से निर्मित होती हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बात करें ये पेन, पेन तो कॉमन नाउन है, अगर देखने में हम कहें पेन है, पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन इसके अंदर में जो प्लास्टिक बनी हुई है, इसके अंदर में जो मटेरियल्स हैं, लिक्विड्स हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ओके। हमने कहा था जो चीज दिखता है वो भी नाउन है, और जो नहीं दिखता है वो भी नाउन है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब सारी चीज़ें दिखती हैं और इसको हम नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, लव, एक्शन, ठीक, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ओके, डिजायर, क्वालिटी, ये सारी की सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। एक सबसे अच्छा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता था जब बचपन में हम क्या होते हैं, जब क्लास 9th 10th या 11th 12th में क्या थे, तो हमारे टीचर्स क्या हिंदी पढ़ाया करते थे, और उसमें जैसे ही उसका पीरियड आता था बहुत आनंद आ जाता था, क्यों, क्योंकि बहुत रस की अनुभूति होती थी वहाँ पर, हमारे टीचर्स क्या होते हैं एक के ऐसे ऐसे रस पढ़ाए।